भी आई है गाइस, अभी तो मैं बड़ा भी हो गया, मतलब बाइक भी आ जाएगी। वी ऑल आर हैप्पी दादी आ रही है, बट ये कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। वीडियो वीडियो अभी नहीं, अभी माजी आ रही है, अभी बहुत काम में पीने। और दादी गिर गए। अरे नीचे आया नहीं कुछ सामान उठाने बेटा? अरे मैं सरप्राइज दे रहा था ना, वो आवाज क्या है आपके सामान में? आईफोन लाए हो दादी? बदमाशी कर रहा है। दे आते हैं। उठो उठो कम दी, जल्दी इधर आ। क्या है वो? थोड़ा पर्दा इधर कवर कर देना, खिड़की पे धूप आ रही है। बाकी नौकर नहीं हो, उठ के खुद कर। कर रहे यार दी, देखो ना यार दादी। छोटा भाई है, उसके मुंह पे धूप आ रही है, लगा दी। एक ग्लास पानी दे दे यार ठंडा, खुद उठ के ले, समझा ना? अरे दे ना यार दादी, बोलो ना यार उसको पानी दे ले। पानी दे दो उसको, निशु कब से चिल्ला रहा है। दी मेरा खाना गरम कर देना। उठ खुद गरम कर और खा। दादी खाना ना गरम करके नहीं दे रही है। दे दो गरम करके, छोटा भाई है, खिला दो, कुछ हो थोड़ी जाएगा बेटा। दी जल्दी आए काम है, जल्दी आ। क्या है, क्यों चिल्ला रहा है पागलों की तरह? अभी तू इधर तक आ गया तो रिमोट दे देना दादी। टीवी देखेगा छोटा भाई है ना, दे दो रिमोट। दादी तोड़ देंगे तो घर का सामान तोड़ देती है ये। बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं तेरी हड्डी तोड़ दूंगी नेक्स्ट टाइम। जा रही है तो पानी भर। बदतमीज हो गया यार, रिमोट फेंक दे रही, कल टीवी फेंक देगी, हमको फेंक देगी, ऐसे ये लोग अपने बिटिया को बढ़ा रहे हैं शहरों में। सुनते नहीं यार दादी, यार सीरियसली बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। दादी पे भी गुस्सा आ रहा है, मुझे पुच्चू पे भी गुस्सा आ रहा है। डे 2 दी अगला ठंडा पानी पिला दे यार। तू कितना काम चोर है, वही खड़ा है ना लेके पी। Attitude, bro. दादी सिर्फ मंदिर गई है, आएगी वापस। दादी दो हफ्ते के बाद गांव वापस भी चली जाएगी। Well played, दी। Uno reverse in my face. ठंडा पानी के साथ कुछ और लेगी तू? बिस्किट्स, कुकीज? कुछ नहीं, ठंडा पानी लेके आ बस। A few moments later. दादी जल्दी आया करो, आप कितना मिस कर रहा था मैं आपको। बम्बई में बहुत गर्मी होती है, बैठ ही नहीं पाए, कमजोरी आने लगी। पानी दादी। शाम को सत्संग है बेटा, 2 घंटा रहेगा, तुम लेके चलना मुझे और रहना मैं भी मेरे साथ, आते वक्त ले आना मुझे। हाँ तू भी सुन ले सत्संग, तेरे को भी कुछ काम आ जाएगा। मैं शाम को फ्री नहीं हूँ दादी, 2 घंटे के लिए। पुच्चू ले जाएगा आपको शाम को। दादी अरे नहीं, वो कहाँ चलेगा, इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका समय बर्बाद हो जाएगा ना, उसको पढ़ना उड़ना होगा। वही तो, इतना लोड है मेरे सर पे। तुम चलना मेरे साथ 2 घंटे में आ जाएंगे फिर। कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करता है वो, बुक खोल के बैठा रहता है बस, उसको पढ़ाई लिखाई नहीं बोलते हैं। ऐसे तो पूरा पूरा दिन बुक खोल के बैठा रहता है। What are you talking दी? बकवास कर रही है दादी, ये जलती है मुझसे। इतना ज्यादा नहीं बोलते हैं बेटा, मनोज काका का लड़का इंजीनियरिंग कर सकता है तो पुच्चू तो उससे कई गुना ज्यादा, वो क्या बुद्धिमान है, स्मार्ट है, वो तो कर ही लेगा। हैं इंजीनियरिंग डिग्री एक बार मिल जाए फिर तो नौकरी चाकरी दौलत शहरत सब सब मिल जाता है इंजीनियर लोगों को। बस डिग्री ले ले और उसको कुछ आए जाए नहीं फिर सब चलेगा। एग्जैक्टली ये सोच की वजह से ना दादी आज पूरे इंडिया में सिर्फ इंजीनियर्स ही इंजीनियर्स हैं, और बाद में लोग रोते हैं कि अरे इंजीनियरिंग कर ली पर काम नहीं मिल रहा है। अगर उसको अच्छा इंजीनियर बनना है ना दादी तो उसके लिए स्किल सेट चाहिए, सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री लेके अच्छा जॉब नहीं मिल जाता। हाँ तो मैं अच्छा इंजीनियर ही बनूंगा, ठीक है, बेस्ट। अरे मेरा बेटा तो चुप रहे, बाहर ऐसे 100 इंजीनियर्स घूम रहे हैं सिर्फ डिग्री लेके। अबे यार तू अभी से क्या इतना सीरियस हो रही है? आई विल बी द बेस्ट इंजीनियर यार, 3 इडियट्स का रैंचो मैं ही हूँ रियल लाइफ में। रैंचो अच्छा इंजीनियर था क्योंकि उसके स्किल सेट बाकी एवरेज और नॉर्मल इंजीनियर से अलग थे। 2 दिन पहले मैंने तुझे एक फॉरवर्ड भेजा था व्हाट्सएप पे, तूने मुझे सीन पे छोड़ा है, पढ़ वो खोल के बेवकूफ। मैंने व्हाट्सएप भेजा था? झूठ बोल रही है ना अगर तू। स्केलर, 3 आवर्स ऑफ डेली लर्निंग, 80 प्लस रियल वर्ल्ड केस स्टडीज। दादी 80 प्लस, 80 आपकी उम्र के तो इनके पास रियल केस स्टडीज है दादी। नहीं अभी 80 की नहीं हूँ बेटा, अभी तो बस हर बात पे फालतू बुरी पूछू। इंस्ट्रक्टर्स फ्रॉम टॉप टेक, 365 डेज ऑफ कोडिंग स्ट्रीक्स, आई लव कोडिंग। दादी मैं बहुत बढ़िया कोड करता हूँ, आप देखना कभी। कोडिंग पसंद है ना तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर। ड्रिवन लर्नर कम्युनिटी, 126% एवरेज सैलरी हाइक। बाइक देखा, ज्यादा सैलरी मिलेगी, खुद से खरीद लेना। बाद में तो मैं ले लूंगा खुद से बाइक।
93.5% of learners placed at top tech companies like Google, FB, Flipkart, Myntra, Amazon, Apple, Zomato. तुझे कहाँ से मिला ये? दी, ये तो best है। तुझे online shopping के अलावा भी बहुत कुछ पता है दी। This is nice. बच्चू मेरे बोलने पे मत जा। तू एक काम कर, स्केलर पे ना फ्री लाइव सेशंस ले ले। तू उनकी टीचिंग देख, तुझे जमता है नहीं है क्या है जो भी है उस हिसाब से देन यू गो हेड एंड एनरोल। पेमेंट का भी कोई लोड नहीं है, स्केलर इजी एमआई ऑप्शंस भी दे रहा है। बस फिर बेस्ट है तो दादी कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस, आपका पोता सबसे बेस्ट इंजीनियर होगा आपके गांव में और पूरे मुंबई में भी। हां हां सबसे बेस्ट तुम। इसी बात पे तो जूस पिएंगे, दादी के लिए जूस लेके आए ग्लास। ए अरे दादी के लिए लेके आया यार, तुझे पाप लगेगा, तू दादी को जूस नहीं पिला सकती है ग्लास। दादी आपको जूस पीना है ना? जूस पिएंगे, पिला दो दादी को जूस, पिला दो बेटा। दो ग्लास जूस पिएगी दादी। ए शानपट्टी खुद लेके पी। ले यार दी यार, मैं तेरी बात मान के स्केलर ज्वाइन कर रहा हूँ ना, तो तू मेरे लिए नहीं कर रहा है, तू अपने लिए करेगा जो भी करेगा। तो तू अपने लिए भी ले आना, तू तीन ग्लास जूस बना के ले आना यार दी। दादी अरे पिला दो बेटा, भाई बोलता है तो पिला देते हैं, दादी को पिला दो। दादी आप बिगाड़ रहे हो उसको, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप बिगाड़ रहे हो। मम्मी क्या फालतू गिरी है? धीरे बोलो भी, सुन लेंगी तो, और फिर ऐसे नहीं बोलते। जब से दादी आई है इसको सर पे चढ़ा के रखा है, छोटी छोटी काम के लिए बुला रही है। फैन ऑफ कर दे, ऑन कर दे, रिमोट दे दे, जूस बना के दे दे। वैसे ही थोड़ा सा बिगड़ा था दादी और उसको बिगाड़ रही। क्यों क्यों करते हैं दादी लोग ऐसा है? अभी दादी चली जाएंगी फिर ये तो वैसे ही रह जाएगा ना, फिर हम लोग इसके नखरे सहन करेंगे क्या? बूढ़े पुराने लोग हैं, पुराने जमाने में ऐसे ही करते थे। पोता लोगों के लिए इन लोगों को अलग से ही प्यार होता है। अरे मान लिया पोते लोगों को ज्यादा प्यार करती है, पोती लोगों को नहीं करती है, पर ये तो प्यार करने में बिगाड़ रहे हैं ना उसको। अच्छा खासा हम उसको अपना काम करना सिखा रहे थे, उसको इंडिपेंडेंट बना रहे थे, अब तो वो एकदम उठता ही नहीं है मम्मा सोफे पे से, बेड से कहीं से उठता नहीं है, वो नीचे तक नहीं जाता है कुछ सामान लेने, राजाओं की तरह बैठा है पूरा दिन फैल के। उनके टाइम पे नहीं पता था ना उन लोग को ऐसे, उन लोग के टाइम पे यही होता आ रहा है, उसके पहले यही होता आ रहा है, तो वही चलता आ रहा है कोई इसको। मैं बोल रही हूँ मैं बोल दूंगी दादी को कुछ। क्या बोलूं, मैं तो खुद ही परेशान हूँ, ऐसे ही करके तो उन्होंने तुम्हारे पापा को भी ज्यादा कुछ सिखाया। नहीं तो आप बात करो फिर दादी से, ये बदतमीजी सीख रहा है वो मम्मी। अब आज मैं बात करूंगी, मैं उसको समझा। दादी उसको गलत चीज सिखा रही है, प्यार करना है करो, बट बिगाड़ना अलग हो जाता है प्यार करना। तुम जाओ मैं जूस बना के दे दूंगी, ठीक है जाओ। दादी यार फिर से टिंडे की सब्जी बना दी मम्मी ने, मैं नहीं खाऊंगा। बब टिंडा नहीं खाते तुम? निशु दीदी बहुत अच्छा नूडल्स बनाती है यार। निशु है निशु, और लड्डूस बना दो भैया के लिए। तो नहीं नूडल्स, नूडल्स दादी। और नूडल्स बना दो बेटा, देखो कह रहा है कब से, अब नहीं बना पा रहा है, छोटा है, तुम बना दो, बड़ी बहन हो ना। हाँ माँ जी नूडल्स बनाना है ना, मैं बना देती हूँ। क्यों निशु क्यों नहीं बनाएगी, कहाँ गई? दी को बोलो ना बना दे। नहीं निशु की तबीयत खराब है अभी, वो नहीं बनाएगी। तबीयत खराब है तो डॉक्टर को दिखा दो बेटा उसको। नहीं डॉक्टर को दिखाने वाली बात नहीं है, वो महीने का उसको पीरियड्स आ गए। अरे शिट पीरियड्स आ गया दी को, चार दिन अभी बेचारे को बहुत पेन होगा। लड़का बैठा उसके सामने बोल रही हूँ ये सब। नहीं वो जानता है सब कुछ पीरियड्स के बारे में, तो जब सातवीं में था तभी से मैं उसको बता दी थी, और स्कूल में भी यहाँ पे बता देते हैं बच्चों को, लड़के लड़की सबको बता देते हैं। मुझे सब पता है दादी, आपको तो अभी नहीं आता होगा, मेनोपॉज हो गया ना आपका। नहीं नहीं ये सब बीमारी हमको नहीं हुई, वो एक समय के बाद क्या बुलवा रहे हो बच्चों के सामने, नहीं होता है, औरतों को बंद हो जाता है बाद में बच्चा बच्चा होने के बाद। क्यूट है दादी, सिर्फ लड़का लोग के सामने ये सब बात थोड़ी किया जाता है। शहरों में पता नहीं क्या क्या नया नया सिखा रहे हैं बच्चों को आजकल, आराम कराने दिया जा रहा है। अरे हम लोग को कौन सा आराम करने मिलता था? हाँ तुम तो काम करती थी, मैं काम करती थी, तो इन लड़कियों को सिखाओगी नहीं, कल ससुराल में ऐसे ऐसी पड़ी रहेंगी क्या? इनकी सास इनको आके खाना पीना खिलाएगी बिस्तर पे? हाँ माँ जी हम करते थे, अब हमारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था, करना ही पड़ता था उस समय, तो किसी से बता नहीं पाते थे खुल के। अब उसको ऑप्शन है, मैं हूँ घर पे तो आराम कर लेती हूँ, उसको बहुत बहुत दर्द होता है, बहुत परेशान रहती है। अजीब चल रहा है भाई शहरों में तो। कोई दिक्कत नहीं है मैं बना देती हूँ ना, नूडल्स खाना है तुमको मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं मम्मी, आप मत बनाओ नूडल्स, चलेगा, मैं वो टिंडे में से टिंडा निकाल के सिर्फ आलू खा लूंगा, चलेगा मुझे, तो वो भी अच्छी बात है। मम्मी ना नूडल्स चिपका देती है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, नीसू ए नीसु। जी माँ जी। वो नीचे जाओ देखो, प्रमोद काका की दुकान देखियो ना, वहाँ पे 3 दर्जन आम बोल के आए हैं हम।
काम। वो अकेला है दुकान पे तो भेज नहीं पा रहा है, तुम जाके ले लो। आपने क्यों बोल दिया, मैं ले आती ना बाद में जाके। काम अच्छा अच्छा दिख रहा था, हम बोले 3 दर्जन पहुँचा दो। मैं ले आ जाती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो, नीचू को भेज दो ना। उसका तो आज दूसरा ही दिन है, कल ही तो बताया मैंने आपको, उसको तो बहुत दर्द होता है, वो उठा ही नहीं पाएगी उतना, कहाँ जाएगी इतना दूर। हे भगवान, अब एक दिन का आराम बहुत नहीं है क्या, हर महीने 4-4 दिन वो आराम करेगी। तुम्हें क्या लग रहा है ससुराल में कल उसको 4-4 दिन आराम करने दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तुम करती थी कि मैं करती थी। शादी के बाद तो वो ससुराल टू ससुराल डिपेंड करता है माँ जी, बहुत ससुराल वाले देते हैं आराम। अभी पति अगर पढ़ा लिखा हो, संस्कारी हो, लतखोर ना हो, काम चोर ना हो, माँ ने संस्कार दिए हो, अच्छे से परवरिश की हो, वरना लड़कों को सिखाओ नहीं तो एकदम निकम्मे हराम जादे एकदम महाराजा बन के पढ़े रहते हैं। शादी से पहले अपनी माँ से सब करवाएंगे और शादी के बाद बीवी से, ये तो बड़े हो ही नहीं पाते ना कभी। क्या बात करो मेरे बारे में लेडीज। कुछ नहीं बच्चे, तुम सोच आराम। ओके दादी। सो जा, ऐसे ही सोता रहेगा तो सीखेगा कब। हाँ तो सिखा देना, अभी तो लड़का है, छोटा है, बालक है अभी तो, अभी कहाँ ये सब काम करेगा, 3 दर्जन कहाँ उठा पाएगा वो छोटा। काम चोर, जा नीचे, दादी ने 3 दर्जन आम बोला, लेके आओ उसको फटाफट। अरे ऑनलाइन के जमाने में क्यों ऐसा मेरे को भेज रहे हो बाहर सामान लाने। सो रहा था उसको उठा दी। दादी यार आप बाइक दिला दे तो मैं फटाफट से जाता हूँ सामान लेके आता। नहीं नहीं बाइक वेट नहीं बेटा, और तो बहुत एक्सीडेंट होता है। अरे नहीं गिरते हैं, हेलमेट पहनेंगे ना आप। अच्छा आप अपना फेवरेट कलर बताओ। हमारा लाल रंग। लाल बाइक पे आप बैठोगे मेरे पीछे हेलमेट पहन के, इतनी सुंदर परी जैसे दिखोगी आप दादी। हमको परी वरी नहीं बनना है। बाइक वाइक नहीं बेटा, जाओ ऐसे पैदल चले जाओ, इधर पीछे की गली में तो है, जाओ दौड़ के लेके आ जाओ फटाफट। पापा दादी पे ही कहने लगता है, मानते ही नहीं है, प्रभा से जाना पड़ेगा अभी। दादी आपको डांस पसंद है? अभी मैं बड़ा हो गया तो इससे नीचे नहीं जाता था। वो देखो अटक गया है वहां पे, हट जाएगी चड्डी बेटा, ऐसे मत किया करो। What is guys? दादी not dealing bikes. आपको आपकी दादी की कसम, अपनी दादी से प्यार करते तो वीडियो लाइक करो। जस्ट किडिंग, सीरियसली इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक कर देना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक आउट स्केलर, गो बुक अ फ्री लाइव क्लास आज ही, द लिंक इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन।